कि हम जा रहे हैं कुरुक्षेत्र और वहां से हम कुछ शॉर्ट्स एंड वीडियोस लेके आए हैं जो हम अपने व्लॉग में डालेंगे अभी और आपको हम दिखाएंगे आगे वीडियो में। सो चलते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो एक बार सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर दें मेरी वीडियो को, और पुरानी वीडियो बहुत सारी हैं इसमें, चैनल पे एक बार जाके चेक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू सो मच। तो चलते हैं आगे। सो गाइस, ट्रेन में आ चुके हैं हम। और सुना बाल बच्चे ना देते सो गाइस, कुरुक्षेत्र हम पहुंच चुके हैं पीयूष जी के साथ और अभी जा रहे हैं ब्रह्म सरोवर, आई थिंक सो, है ना? नहीं, मुझे नहीं पता कुछ। इनको भी नहीं पता। हम गुरुद्वारे में आ चुके हैं, यहाँ पे हम बैग उधर उतारते हैं, दिखाना उधर सारा सामान रखा, उधर सारा सामान रखा जाता है। अरे तू इतना क्यों हिला देता है? सो गाइस, हम ब्रह्म सरोवर के पास पहुंच चुके हैं। हम यहाँ पे रात को रुकेंगे, हमें शो देखना है 6 बजे के पास, जो किसी का होएगा अभी बताऊंगा, मेरे को कंफर्म नहीं पता। वाह जी वाह, किसी को भी लेना है? बहन जी 50 रुपए के जी, 50 रुपए के। ये कानों में डालने के लिए, हाथ पहनने के लिए डाल रखे हैं इन्होंने। चर्च को हम आ चुके हैं ब्रह्म सरोवर के पास। सो गाइस, जैसे कि हम कुरुक्षेत्र पहुंच चुके हैं, शाम को 6 बजे यहाँ पे बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा, कोई सिंगर आएंगे बहुत बड़े, मैं उनका नाम बार बार भूल जाता हूँ। सो अभी हम जैसे आए हुए हैं, यहाँ पे बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं, दिखाना एक बार कैमरे को उधर, ये इधर बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं, और अभी हमने यहाँ पे कुछ रील वगैरह फोटोशूट वगैरह करी है, तो हमारे साथ पीयूष भैया हैं जो पीछे हैं कैमरे के, तो अभी आपको और सीन दिखाएंगे। अभी हमने ट्रेन का और क्या कहते हैं, हम गुरुद्वारे में गए थे वहाँ तक का सबका हमने वो सीन रिकॉर्ड किया है, और अभी आपको हम थोड़ा सा दिखाएंगे यहाँ पे कुछ लोगों ने ये मूर्तियाँ बना बना के छोड़ दी। ठीक है, ये राइट साइड में, ठीक है। ये दूर दूर तक जो भी दिख रहा है आपको, ये सारा पानी ब्रह्म सरोवर के अंदर ही आता है, और अभी आपको हम यहाँ पे बहुत बड़ा रथ है जो वो दिखाते हैं आपको। यहाँ पीछे फंक्शन हो रहा है, इसके पीछे ही शाम को 6 बजे कोई बहुत बड़े सिंगर यहाँ पे आएंगे, जिनका नाम मैं अभी पता करके आपको क्लियर बताऊंगा। Thank you.
ना। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारी स्टॉल लगाई हुई है, पर ये आज तक हमारे को समझ नहीं आई किस चीज के लिए लगी हुई है। सो हम बाहर चलते हैं वापिस यहाँ से। पीयूष जी कुछ नॉलेज देंगे इसके बारे में। क्या कह रहे थे? अरे बता। वो मैं बाद में एडिट कर दूँ। ये द्रौपदी का कुआं है ना भाई? हाँ बोल दे अब तो ठीक है। सुबह तो चल भी रहा होगा ये, है ना? लेकिन अंदर हवा देखी नहीं, शांति वाली है। तो गाइस जैसे कि हम आपको वो चीज़ दिखा रहे हैं जो कि यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी हैं। वैसे बहुत दुकानें हैं यहाँ, लगा लो कम से कम 500 तो दुकानें होंगी, है ना? अभी हमने आधा भी नहीं पार करा, ये लगा लो बहुत कुछ देख लिया। कभी जूते, हर चीज़ की दुकान है यहाँ पे। अगर आप आएँ तो ये 6 तारीख तक और चलेगा ना। 6 तारीख तक एक बार जरूर आके देख के काफ़ी मज़ा आएगा आपको। कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर में काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, आप आके एक बार विजिट जरूर करें। इस यहाँ पे सारा लकड़ी का सामान है। अभी हम उस कुर्सी पे बैठे थे तो बड़े शांति मिली थी उस कुर्सी पे बैठने के बाद। ओ भाई स्केच तूने तो देखा ही नहीं। फ्री चाय, चाय मिल रही है हमें। कमाल है। कौन सी दुकान है, क्या नंबर है? 547 पे आपको फ्री चाय मिलेगी। देखो भाई पी के बताते भी कैसे टेस्ट है इसका। लिटरली बहुत 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 सही है, बहुत सही है, पी के देख भाई। सो गाइस जैसे कि पूरा व्लॉग को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हमने काफ़ी सारी दुकानें एंड शॉप देखी थी और क्या कहते हैं यहाँ पे टोटल लगा लो 1000 से ऊपर दुकानें हैं और हमने सारी देख ली। एक भी मतलब की चीज़ हमारे लिए तो बनी नहीं, क्योंकि सब सामान लड़कियों का है, बॉयज़ का कोई भी सामान नहीं है। इतनी घटिया घटिया दुकान रहती है बॉयज़ के लिए। आप यहाँ आए एक बार विजिट जरूर करें, बहुत मज़ा आता है ट्रैवल करने में, इधर घूमने में आसपास। 6 तारीख तक है ये खुला हुआ, एक बार आएँ, एक बार ज़रूर चेक करें, बहुत मज़ा आ रहा है। आज तो पूरी रात रुकेंगे और व्लॉग को हम यहीं रोक रहे हैं। अगर रुकेंगे तो मन करा तो दोबारा बनाना शुरू कर देंगे, कंटिन्यू करेंगे, बट अभी फ़िलहाल के लिए यहीं स्टॉप कर रहे हैं। सो गाइस जैसे कि व्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं, अभी हम आ चुके हैं अपने होटल में, व्लॉग यहीं एंड होता है। तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे चैनल को। सो मिलते हैं न्यू व्लॉग में, जो होगा अब न्यू ईयर के आसपास का ही व्लॉग मिलेगा आपको, या शायद मेरे भाई की शादी का व्लॉग भी आपको मिल जाए। सो बाय गाइस, सब्सक्राइब जरूर कर देना।